हाँ सर, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? मैं कोतमा से। हाँ सर बोलिए सर। मैं बोला कि अपनी M2DI है। हाँ इसमें क्या है, गाड़ी झटके से बंद हुई, ड्राइवर बता रहा है इसके बाद स्टार्ट नहीं हुई है। अच्छा, और अभी मतलब आप एक काम कीजिए, टीम वीवर का पासवर्ड दीजिए मुझे। जी दे रहा, लिखिए सर। हेलो, बोलिए सर। 60 देखिए, अभी वहां पर अलाउ का ऑप्शन आएगा। आ गया सर। अलाउ कीजिए। जी कर दिया। अभी आपको PS70 Pro ओपन करना है इस पे। जी एक इसको एक उसमें रखिए ना, डायरेक्शन पे। जी चलिए, इंडिया पे गए अपन। जी हाँ। महिंद्रा पे जाना है। जी अभी देखते हैं कोड क्या बन रहा है। गाड़ी हाँ। गाड़ी कौन सी बताया आपने? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो कौन सा मॉडल है? मॉडल कब का है? देख लिया उसने मॉडल। VLX है कौन सा? SLX है? MHawk है कौन सा है? EX है सर। हाँ? EX। अच्छा, टंकी की मोटर है इसके अंदर। सिस्टम सिलेक्शन में जाना है, इमोबिलाइजर पे जाना है। वैसे मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वो जो इसका गियर बॉक्स के पास में इसकी जो रिले लगी है ना, नहीं डाल दिया सर वो। हाँ वो बता रहा हूँ ना, और फ्लोर के पास में प्रॉब्लम आता है। 2013 ये जो प्रॉब्लम आती है ना, ज्यादातर आप वहाँ से आती है, जो फ्लोर के पास है, ड्राइवर्स के पास का जो फ्लोर है ना। जी सर। वहाँ की वायरिंग कट जाती है। फिर भी मैं एक बार फिर अपन की प्रोग्रामिंग करते हैं इसकी, ठीक है? जी हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको इमोबिलाइजर पे जाना है, ओल्ड में जाना है। चाबी कितनी है आपकी इसमें? एक चाबी है सर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सबसे पहले हमको ये चेक करना होता है कि ये सारी चीजें इमो वगैरह को अपन को क्लियर करना होता है। EMS क्लियर की है अपन ने। अनलॉक ECM, डेल्फी 2.5 है अपना, तो इसी पे काम होगा सारा। जी इसके बाद ये सब करने के बाद अपने को इमो पे काम करना है। एक चाबी है ना? जी ओके। ये हमी अभी जब ये प्रोग्रामिंग सक्सेसफुल दिखा रहा है इसमें। अभी आप एक काम कीजिए, चाबी निकालिए गाड़ी की। जी निकाल, बैटरी का वायर निकाल दीजिए। बैटरी का वायर निकाल दे सर। हाँ बैटरी का वायर निकालिए। बैटरी का वायर निकाल देना। ब्लैक वाला निकालिए, ब्लैक टर्मिनल, ठीक है? नेगेटिव टर्मिनल, ब्लैक माइनस। इसको पूरे 2 मिनट के लिए निकालना पड़ेगा। जी सर जी। अभी बज रहे हैं अपने 7:15, 7:15 हो रहा है। 15:17, 18 मिनट में लगाते हैं अपन इसको। फोन मत काटिएगा, ठीक है? जी हाँ सर ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा था, ये गाड़ी मतलब पहले भी इमोबिलाइज हो रही थी कि बार बार मतलब ऐसी बार बार इमोबिलाइज हो रही है? नहीं अपन जैसे इसको अपन क्लियर करें हो जा रही, फिर अपन जब सेल्फ मारे फिर हो जा रही है। मतलब है कि कुल मिला के लाइट आई रही है परमानेंट ना? नहीं परमानेंट नहीं आती सर, चली भी जाती जब अपन रिजेक्ट कर देते तो हट जाती थी लाइट इसमें से। इसका वायर लगवाइए। लगा, बैटरी लगा। इग्निशन ऑन करके छोड़ बस दीजिएगा, ठीक है? जी हाँ जी सर, बैटरी वायर लगा दो। टर्मिनल टाइट लगे है ना? जी हाँ सर टाइट है। चलिए
लग गई बैटरी सर। इग्निशन ऑन कर दीजिए। ऑन है सर। चलिए अभी लाइट ब्लिंक कर रही है। लाइट कर रही सर, बंद है लाइट अभी। कोई दिक्कत नहीं। एक काम कीजिए जी, हाफ सेल्फ मार के तुरंत चाबी बाहर निकालिए। ठीक। अब चाबी लगाइए दोबारा। निकाल लें सर। हाँ चाबी निकाल के लगाइए, दोबारा लगाइए। अभी लाइट ब्लिंक कर रही है क्या? नहीं सर, लाइट सही है, डीजल आ गया सर अब। हाँ अभी सेल्फ मारिए। मार दे सर सेल्फ। मारो मारो। हाँ जी सर, मार रहा है। जी सर, हो गई है गाड़ी स्टार्ट। हो गई है जी सर। अभी बंद कीजिए गाड़ी को। बंद कर दूं सर? हाँ बंद कीजिए जी। अभी फिर से गाड़ी में सेल्फ मारिए जरा। मारू सर? सर मारिए। हो गई सर स्टार्ट। गाड़ी को लगभग 10 किलोमीटर की रनिंग करके कस्टमर को देना, ठीक है जी सर? जी जी। और दो तीन बार 10 किलोमीटर में 2-3 बार गाड़ी को चालू करके बंद करके देना, क्योंकि अगर इस बीच अगर इमोबिलाइज्ड होना हो तो हो जाएगी, ठीक है जी सर? जी। और थोड़ा जर्क वाले एरिया में गाड़ी को चला के देखना। जर्क वाले में भी क्या होगा, अगर कहीं से वायर शॉर्ट कर रहा होगा तो जर्क में कहीं ना कहीं गाड़ी बंद हो जाएगी, है ना? ठीक है सर। जी ठीक है सर। और अगर हो सके तो सर इसका ग्रुप में फीडबैक दे दीजिएगा अपनी तरफ से, जो भी आपको लगता है, ठीक है, ऑनलाइन सपोर्ट का। जी जी ठीक है सर। बाकी सपोर्ट में कोई दिक्कत तो नहीं सर? अरे नहीं सर, आपसे तो बड़ी खुशी होती भाई। नहीं हो जाना चाहिए। चलिए बस हो गया, क्योंकि क्या अभी मैं इसका पूरा वीडियो शूट कर रहा था एक्चुअली ये YouTube में डालने के लिए, क्योंकि हम कैसे ऑनलाइन में सपोर्ट दे रहे हैं प्लस कस्टमर का क्या फीडबैक रहता है, वो फीडबैक में हम लोग चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से फीडबैक दें कि कैसा हम लोगों का काम है अभी तक का। नहीं 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 सर, बहुत अच्छा है सर, अब तुरंत काम हो जा रहा है हम लोग का। इससे बड़ा क्या। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर। तो दोस्तों देखिए अभी टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं अभी इसमें 7:22 हो रहा है। तो इस तरीके से कोशिश रहती है दोस्तों कि लाइव सपोर्ट करके कस्टमर को फ़ोन में और उसकी गाड़ी की प्रॉब्लम को समझते हुए उसका सॉल्यूशन दें। तो ये तो एक छोटा सा गाड़ी का ECU अनलॉक करने का था, इमो सिंक करने का वीडियो था, बट कस्टमर की सपोर्ट के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको ऑनलाइन लेके हम फेस करते हैं और साथ ही साथ गाड़ी हाथों हाथ चालू करके देते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इसी तरीके की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।